बना। हमारा क्षेत्र तो विधायक विहीन सा हो गया है। जिले में 9 आत्मनिर्भर स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा काम किया गया है। केवल चाटुकार लोग और हर जगह पैसा और दलाली का काम चालू, उनके कार्यकर्ता इस चीज को स्वीकार रहे हैं। यदि वो पट्टा अगर दे देंगे तो भू माफियाओं को फिर किस तरीके से वो मदद कर पाएंगे? विकास की राशि तो बहुत दूर सांसद प्रतिनिधि अभी बने। कोई भी किसान मतलब ये नहीं कह सकता कि हमारे धान की खरीदी नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा सीट हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि इस सीट से ही जीतकर अजीत प्रमोद जोगी ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। इस क्षेत्र को, इस विधानसभा को भालू लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सीट मानी जाती है मरवाही विधानसभा। सपनों के सौदागर स्वर्गीय अजीत जोगी के विधानसभा मरवाही, जिस सीट पर मिली जीत के बाद अजीत जोगी को छत्तीसगढ़ का पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मरवाही जहां छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए, मरवाही जो राजनीति के मामले में हमेशा सुर्खियों में रहा। छत्तीसगढ़ की मरवाही विधानसभा प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखती है, क्योंकि यहां से प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद जोगी ने प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया था। मरवाही का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। रतनपुर के कलचुरी नरेश के आश्रय में हिंदू सिंह और चिंदू सिंह नाम के दो भाई रहते थे। इनकी ईमानदारी से खुश होकर राजा ने इन्हें पेंड्रा की जमींदारी इनाम में दी थी। पंडरी वन अर्थात पेंड्रा से हिंदू सिंह के वंश की बड़ी उन्नति हुई। 100 साल के भीतर ही इसके वंशज केंदा, उपरोड़ा, मातिन के अधिकारी बन बैठे। मराठों के शासनकाल में भी हिंदू सिंह के वंशजों ने अपनी जमींदारियों का भरपूर लाभ उठाया। लेकिन जब 1818 में कर्नल एगिन्यू छत्तीसगढ़ के सुपरिटेंडेंट बनकर आए, तब तक उसने पुराने अधिकारी के वंशज अजीत सिंह को जमींदारी सौंप दी। मराठा काल में पेंड्रा गढ़ पिंडारियों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस क्षेत्र में पिंडारे डाकू आ गए, जो अक्सर रतनपुर और जबलपुर तक आक्रमण किया करते थे। इन्हीं के कारण इस क्षेत्र को पिंडारा कहा जाता था, जो वर्तमान में पेंड्रा हो गया। विधानसभा में मतदाता 1,90,907, महिलाओं की संख्या 97,209, पुरुष 93,694 और 4 तृतीय लिंग के मतदाता। 2018 की तुलना में इस बार 6,886 मतदाताओं की वृद्धि हुई है। हमने मरवाही विधानसभा की यात्रा की शुरुआत गुरुकुल से की। यहां लोगों से हुई बातचीत में लोगों ने सरकार के कार्यों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जोगी के साथ लोगों ने कांग्रेस के इन अल्प समय में किए गए कामों पर भी बातचीत की। 36 वादों की तुलना में 4.5 वर्ष के दरमियान भूपेश सरकार के द्वारा 51 काम आज की तारीख पर पूरे प्रदेश पर चल रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा वर्ग होगा जिसको सरकार की योजना का लाभ ना मिला हो, चाहे वो किसान के रूप में हो अथवा गौधन विकास के रूप में हो अथवा औद्योगिक क्रांति के रूप में हो। यहाँ तक कि जो बेरोजगार थे, जिनको कि सीधे सीधे रमन सिंह जी ने छला था, उनको भी बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है। बेरोजगारी भत्ता देने पर हमको उतनी प्रसन्नता नहीं है, ये स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा है। वो चाहते हैं कि इस प्रदेश का जो बेरोजगार युवक है उसको रोजगार मिले, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि वो रोजगार के प्रति नए नए अवसर खोजेंगे और नए लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे। 5 साल के कार्यकाल में विकास की, तो विकास तो केवल जनप्रतिनिधियों का, कांग्रेस की जनप्रतिनिधियों का हुआ है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण इसलिए था क्योंकि अस्थिरता कार्यकर्ताओं में है कांग्रेस में, और स्थिरता सरकार में थी, जिसके अभाव के कारण हमारे क्षेत्र में और विकास नहीं हो पाया। 15 साल बनाम 4.5 साल में जो विकास हुए हैं, हेलो, भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, सिर्फ औपचारिकता रह गई है विरोध के नाम पर। इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। 15 सालों में व्यक्ति विशेषों का विकास हुआ था। आज की स्थिति में ग्रामीण जनता से लेके आम जनता से लेके सारे तबके के लोगों का विकास हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, मैं 15 साल से पार्षद हूँ। उस 15 सालों में जब
डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो राशन कार्ड जैसी चीजों को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। सिर्फ चुनाव के समय ही, विधानसभा चुनाव के समय ही राशन कार्ड बनाया जाता था। लेकिन आज की तारीख में जब से भूपेश सरकार बनी है, कांग्रेस की सरकार बनी है, राशन कार्ड बनना चालू हो गया। बल्कि अभी मितान योजना चालू की है, जो प्रशासन आपके द्वार जो छोटी मोटी चीजें नहीं हो पाती थी लोगों की, चाहे राशन कार्ड हो, आय जाति निवास हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जिसके लोग भटकते थे, ये हमारे माननीय भूपेश सरकार ने घर घर पहुंच सेवा चालू की है। ये वास्तव में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य गठन के बाद कांग्रेस ने जब अजीत जोगी को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया तो उनके लिए मरवाही के तत्कालीन भाजपा विधायक रामदयाल उइके ने अपनी सीट छोड़ी थी। तब से लेकर अजीत जोगी के जिंदा रहने तक इस सीट पर जोगी परिवार का ही एक छत्र राज था। अजीत जोगी की मौत के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट कांग्रेस की झोली में चली गई। साल 2018 में अजीत जोगी ने मरवाही में बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में विधानसभा का चुनाव लड़ा था। कांग्रेस को अलविदा कहने के बाद उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का गठन किया। चुनाव में मरवाही की जनता ने दल और चुनाव चिन्ह बदलने के बाद भी जोगी को अपने दिल में बसाए रखा और उन्होंने मरवाही का प्रतिनिधित्व किया। लेकिन अजीत जोगी के जाने के बाद जैसे पूरी पार्टी को ही जनता ने सिरे से नकार दिया। इन सब के बावजूद इस बार भी मरवाही से चुनाव की तैयारियों को लेकर जोगी कांग्रेस तैयारी कर रही है। हमारी टीम ने जोगी कांग्रेस के ग्रामीण अध्यक्ष उमेश अग्रवाल से बात की, तब उन्होंने 2023 में चुनाव लड़ने की तैयारियों से लेकर अपनी पार्टी के अस्तित्व पर हमें पूरी रणनीति बताई। जिले के अनुसार जो यहाँ पर सुविधाएं होनी चाहिए, नागरिकों को जो लाभ जिला बनने का मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। रही बात विकास कार्यों की, तो पूर्व में मरवाही विधायक पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जनता कांग्रेस के जो सर्वे सर्वा थे स्वर्गीय अजीत जोगी जी, उन्होंने जिन कार्यों को यहाँ पर प्रस्तावित किया था वही कार्य अभी यहाँ पर कुछ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे कार्य जो है उसमें भी कुछ भी काम नहीं हो रहा है। जैसे कि कोलबिरा में एक मध्यम सिंचाई योजना है जो कि इस जिले की सबसे बृहद सिंचाई योजना, सबसे बड़ी सिंचाई योजना है, उस पर भी यहाँ पर इस जिले में कोई भी अभी तक कार्य नहीं हो पाया है। जो कि उस पर अगर सिंचाई योजना पर अगर कार्य हो जाता है, बांध बन जाता है, तो वह इस जिले के लिए, किसानों के लिए एक वरदान सिद्ध होगा। शिक्षा के विभाग में जो पिछले 15 साल के भाजपा सरकार ने काम किया और अभी 4 वर्षों में कांग्रेस सरकार काम कर रही है, कैसी है शिक्षा व्यवस्था जिले की? देखिए, जिले के अनुसार अगर हम सोचें शिक्षा व्यवस्था, तो जिले में अभी कोई भी जिला बनने के बाद नई शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है। केंद्रीय विद्यालय के अलावा और भी जो जिला स्तर पे जो शिक्षा शैक्षणिक संस्थाएं जो स्थापित होती हैं अभी वो भी नहीं हो पाया है। रही बात केंद्र सरकार की योजनाओं के, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण एकलव्य विद्यालय जैसे ब्लॉकों में यहाँ पर स्थापित हो रहे हैं, लेकिन वो प्रदेश सरकार के नहीं कहे जा सकते। और दूसरी बात यह है कि बृहद बिलासपुर जिला जब था, जिसमें कि कोरबा, चांपा, जांजगीर वगैरह सभी शामिल थे, उस समय से पेंड्रा में डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। उस समय पे जो यहाँ पर सुविधाएं थी वो सुविधाएं आज नगण्य होती जा रही हैं, जबकि यहाँ पर वहाँ 200 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, जिनके लिए उस समय हॉस्टल निर्मित थे, आज उनको हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से अन्य विद्यालयों में भी वही स्थिति है। एकमात्र यहाँ पर पहले महिला शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र था, लेकिन प्रदेश बनने के बाद में यहाँ पर फिजिकल कॉलेज जो है वो को एजुकेशन के लिए है, लेकिन उसके लिए भी देखा जाए तो पूरे प्रदेश का एकमात्र शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, लेकिन उसमें भी खेल कूद संबंधी गतिविधियों के लिए कोई भी आधुनिक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम नहीं है। जो कि इससे साबित होता है कि हमारे जिले के विकास के प्रति चाहे बीजेपी सरकार रही हो और चाहे अभी कांग्रेस सरकार है, वो कोई भी रुचि नहीं ले रही, उदासीन है। कांग्रेस के उपचुनाव में जीत से लेकर दोबारा 2023 के चुनाव की तैयारियों को लेकर जब हमने डॉक्टर के ध्रुव से बात की तो उन्होंने दोबारा भारी मतों से जीत बरकरार रखने की बात कही। पिछले 4.5 वर्षों में
सरकार के द्वारा मरवाही विधानसभा में क्या क्या कार्य किए गए? देखिए, चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस की सरकार आई और सबसे पहले तो हमारे जिला को जिले की सौगात मिली और उसके तहत अपना जिला अस्पताल बना और जिला अस्पताल के बाद जो आवागमन के जो साधन थे निश्चित वो बने। जैसे सिवनी मरवाही जो पिछले सरकार कर नहीं पाई थी वो बना, आपका पिंडरा से लेके मरवाही ये रोड भी बना, तो आवागमन के पुल भी बने, जो पुराने पुल टूट गए थे बन नहीं पा रहे थे वही बना। और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल जो हमारे जिला में है, हर ब्लॉक में करीब जिले में 9 आत्मानंद स्कूल, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी सरकार द्वारा काम किया गया है। सर ये तो हो गई सरकार की, लेकिन आपको भी लगभग 2.25 वर्ष हो रहे हैं, हाँ, है ना, तो उसमें आपके क्या कैसे कार्य थे? अब इसमें देखिए, जनसंपर्क के माध्यम से गाँव का भ्रमण किया, उसमें जो मुख्य रूप से मांग जो तो सार्वजनिक मांग रहती है ज़्यादातर गांव का, तो रोड की मांग रही है, तो हमने भी बजट सत्र में कुछ करवाया और शुरुआत के एक साल तो कोरोना में ही चल गया हमारे चुनाव जीतने के बाद, तो वो नहीं हो पाया। और इस साल बजट सत्र में 13 रोड स्वीकृत हुए हैं, वो काफ़ी है। और जो छुट मुट मांगे जैसे हाई स्कूल वगैरह का 10वीं से 12वीं होना है, ये कुछ मांगे हैं मुख्य रूप से। और पानी की जो समस्या थी, जल जीवन मिशन के द्वारा जो काम चल रहा है और पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो भी लगभग पूर्ण हो जाएगा। मरवाही क्षेत्र भाजपा के लिए कभी शुभ साबित नहीं हुआ। साल 1998 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक पटवारी रामदयाल उइके को टिकट दिया था, नौकरी छोड़कर भाग्य आजमाया और चुनाव जीतकर वो विधानसभा भी पहुंच गए। उइके ने ये सीट अजीत जोगी के लिए छोड़ी। मरवाही विधानसभा सीट से 4 बार अजीत जोगी और 1 बार साल 2013 में अमित जोगी विधायक बने। भाजपा के लिए मरवाही की सीट सपना बनकर रह गई है, लेकिन इस बार भी भाजपा मैदान में है और अपनी तैयारियों में लगी हुई है। हमारी टीम ने जब नगर पंचायत के उपाध्यक्ष और बीजेपी ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संजीत जायसवाल से बात की तो उन्होंने कई मुद्दे गिना दिए। चूंकि हमारे यहाँ तो डॉक्टर मैडम जोगी विधायक हैं और वो लगातार अस्वस्थ रही हैं, तो उनकी क्षेत्र में अनुपस्थिति रही है, इसलिए हमारा क्षेत्र तो विधायक विहीन सा हो गया है। और जहाँ तक मरवाही विधायक की बात है, हमारे जिले में 2 विधानसभाएं आती हैं मरवाही विधानसभा की सीट में, और वो विधायक जी भी पूरे अब चाटुकार मंडली से घिरे हुए हैं, इसलिए जनता की को लाभान्वित करने के बजाय केवल चाटुकार लोग और हर जगह पैसा और दलाली का काम चालू। उनके कार्यकर्ता इस चीज़ को स्वीकार रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी होने के कार्यकर्ताओं के नाते बोल रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता भी इस तरह के विभिन्न गुटों में बटे हुए हैं और केवल बंदरबांट शासकीय योजनाओं को बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जिले में सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरीके से कलेक्टरों का अभी बने मुश्किल 3 साल हुए और 4 से 5 कलेक्टर बदल गए, जब एक कलेक्टर यहाँ की भू भौगोलिक परिस्थितियों को समझता है, योजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रयास करता है, उसके पहले उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ऋषभ प्रकाश चौधरी मैडम बढ़िया काम कर रही थी, सब चीज़ों को उन्होंने क्षेत्र को समझा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर कुछ क्रियान्वयन की बात आती है तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है। यानी कलेक्टर भी इस शासन में, कलेक्टर और एसपी इस शासन में बिल्कुल बाबू और इनके जैसे हो गए, जब चाहे भूपेश सरकार अपनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत इनका स्थानांतरण कर देती है, जिससे कि शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन में परेशानी आती है। 2013 का साल मरवाही के लिए काफी खास था। इस साल मरवाही सीट पर 11 उम्मीदवार मैदान में थे। अजीत जोगी के बाद कांग्रेस से अमित जोगी ने पिता की विरासत को बचाने में ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने में भी कामयाबी रखी। अमित जोगी को 82,909 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार समीरा पैकरा को 36,659 वोट मिले थे। बाकी उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अजीत जोगी को 67,523 वोट मिले थे। बीजेपी के ध्यान सिंह परोटे को 25,431 वोट मिले थे। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अजीत जोगी को 76,269 वोट मिले थे। बीजेपी के नंद कुमार साय को 22,119 वोट मिले थे। 2013 में थे मैदान में 11 उम्मीदवार। अमित जोगी को 82,909 वोट मिले। बीजेपी उम्मीदवार को 36,659 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। मरवाही की खासियत ये है कि ये इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ है। करीब 1.5 लाख हेक्टेयर में जंगल फैला हुआ है। भालुओं के लिए भी ये इलाका काफी मशहूर है। मरवाही को बियर लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके में दुर्लभ सफेद भालू भी मिलते हैं।
लेकिन अब यही भालू यहाँ की सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। भालू यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जंगल में रहने वाले ग्रामीणों के लिए है, जो लगातार इनके हमलों से परेशान है। इस समस्या से निपटने के लिए जामवन परियोजना भी चलाई गई थी, लेकिन अब ये योजना विलुप्त सी हो गई है। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ दूसरे मुद्दों के साथ भालुओं से होने वाली परेशानियां भी एक बड़ा मुद्दा होती है। मरवाही में कांग्रेस, बीजेपी और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के काम को लेकर जनता की राय पर हमें मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मैं देख रहा हूँ कि जमीनों के रेट तो बढ़ गए हैं, व्यापार किस दिशा में जा रहा है ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। मैं व्यापारी वर्ग की तरफ से ये कह रहा हूँ, लोग बोलते हैं नया जिला बना है, पैसा आया है व्यापार में, लेकिन हमें तो स्थिति सामान्य से और बदतर दिखती जा रही है। व्यापारियों का हाल अच्छा नहीं है। शासन से अनुरोध है मेरा कि व्यापारियों को व्यापार सुचारू रूप से चले, ऐसी नीतियां लाएं जिससे व्यापार अच्छा चलेगा सबका। हम तो भारतीय जनता पार्टी की तो तुलना हमारे चार साल में कहीं नहीं है उसका। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों से जैसे कि नरवा, गरवा, गौठान, इसको संवारने का इतना बढ़िया काम किया कि आज प्रदेश में लोग इन्हीं से अपना बहुत बढ़िया कमाई कर रहे हैं, बढ़िया अपने जो उनको उससे इनकम हो रही है उससे अपना आवश्यकता की चीज़ें बड़े आराम से खरीद रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस पर कोई ध्यान तो दी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है कांग्रेस की सरकार तो इसको बहुत तरीके से इस काम को कर रही है। जैसे ही शपथ ग्रहण लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 घंटे के अंदर पूरे किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसके बाद बिजली बिल हाफ की योजना और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, अनगिनत योजनाएं हैं जिससे हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश निश्चित रूप से आज फल फूल रहा है। आपको मैं बताऊं कि चाहे वो वन अधिकार पट्टे का मामला हो, चाहे वो किसानों की बात हो, समर्थन मूल्य में धान खरीदी की बात हो, आज पूरे प्रदेश में आप देखिए कहीं भी ये पता नहीं लग रहा है। अभी हम लोग धान खरीदी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की है, कहीं भी ये नहीं लग रहा है, कोई भी किसान ये नहीं बोल रहा है कि हमारा धान नहीं खरीदा गया। अगर शिक्षा की बात करें तो पिछले 15 वर्षों में शिक्षा का स्तर क्या था और अभी 4 वर्षों में शिक्षा का स्तर क्या है? कुछ फर्क नहीं पड़ा है, सिर्फ फीसें बढ़ी हैं, वसूली बढ़ी है और जिस तरह से शिक्षा में फीसों की वृद्धि की गई है उस पर कोई देख रेख नहीं है, कोई अंकुश नहीं लगा है। पेंड्रा बाईपास रोड जो है उन्होंने बोले थे बनाने के लिए लेकिन नहीं बना, वो भाजपा कार्यकाल में स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक कांग्रेस की भी सरकार 6-7 महीने बाद जाने वाली है कि नहीं जाने वाली है तो वह नहीं मालूम, वक्त बताएगा, लेकिन आज तक बाईपास नहीं बना। और जो पुराने बांध है उसको पूरा नहीं पूर्ण नहीं किए, उसी को रिपेयरिंग करके रोड भी जो है वो रिपेयरिंग करके उसको, पर कोई न्यू सड़क आज तक नहीं बनी है। मुझे तो कोई प्रगति नजर नहीं आया, सिर्फ आत्मानंद स्कूल बस खुल गया है और आत्मानंद की पढ़ाई भी कोई विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ से कई बच्चों से मैं बात भी की हूँ तो वो लोग बोलते हैं जैसे पहले हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बस वैसे ही पढ़ाई हो रही है। विधायकों की बात करें तो चाहे कोटा की बात करें चाहे मरवाही की बात करें, लेकिन अभी दोनों विधायक कुछ भी इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कोटा विधानसभा के विधायक विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में भी आना जाना उनका बंद हो गया है, बीमार हैं और निश्चित तौर पर क्षेत्र से उनसे कोई लेना देना उनको नहीं है। और रहा सवाल मरवाही के विधायक सिर्फ घूमने का काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की यहाँ की कोई भी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार से ना कहीं पर भी अवगत कराते, सिर्फ बातों का जमा खर्च उनके पास है। इन 4 वर्षों में कांग्रेस की सरकार खासतौर से, वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में विकास के कार्य हुए हैं, खासतौर से हमारे जिले में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं जो इन 15 सालों में नहीं हुए थे, जैसे हॉर्टिकल्चर कॉलेज मरवाही में, आत्मानंद स्कूल मरवाही में, रीपा अभी 4 गौठानों को चयनित किया गया है, वहाँ रीपा से मजदूर वर्ग, स्व सहायता समूह की महिलाएं ये सभी रोजगार पाएंगी, गांव के मजदूर वहाँ काम करेंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो 15 वर्ष और ये 4 वर्ष में काफ़ी विकास हुए मरवाही क्षेत्र में। सर देखा जाए तो वैसे यहाँ पे भूमाफियों का बहुत ही ज़्यादा जो दबदबा है प्रशासन पर भी और शासन पर भी, और जहाँ तक भूमाफियाओं की बात है तो निश्चित रूप से उनका जो काम है बहुत जल्दी प्रशासनिक अधिकारी सुनते हैं, कहीं ना कहीं शासन का उसमें दबाव रहता है। और अभी तक आप देखेंगे कि ये 5th शेड्यूल एरिया है
और यहाँ पर जो आदिवासी वर्ग है वो एक लंबे अरसे से आवेदन करते आ रहा है कि हमें वन अधिकार कानून के तहत पट्टा दिया जाए। तो इनको पट्टा ना देने का मुख्य कारण यही है कि यदि वो पट्टा अगर दे देंगे तो भू माफियाओं को फिर किस तरीके से वो मदद कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आदिवासी अंचलों में रहने वालों को जो कई पीढ़ियों से खेती करते आए हैं उन्हें पट्टा ना देने का शासन की है, मुझे लगता है पूरी पूरी मंशा है कि वो भू माफियाओं को जितना भी हो फायदा पहुंचा सके। देखिए सांसद जी का तो अभी चार सालों में उन्होंने चार साल बाद सांसद प्रतिनिधियों की नियुक्ति की गई है उनके द्वारा, तो उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि उनका कार्यकाल कैसा होगा। आज तक गौरला हो चाहे पेंड्रा नगर पंचायत क्षेत्र हो, उनके द्वारा एक भी राशि अभी तक यहाँ नहीं दी गई है। हमारा गौरला पेंड्रा क्षेत्र बिलासपुर लोकसभा के अंतर्गत आता है, तो निश्चित तौर पर दोनों पंचायतों को रहता है कि सांसद है कुछ निधि आएगी कुछ विकास कार्यों में, तो विकास की राशि तो बहुत दूर सांसद प्रतिनिधि अभी बने, तो उससे आप अनुमान लगाया जा सकता है। लगातार यहाँ पे कांग्रेस के विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस से श्रीमती रेणु जोगी जी विजयी रहीं, लेकिन जोगी जी के नहीं रहने के बाद उनकी जो गतिशीलता थी जो सक्रियता थी कोटा विधानसभा क्षेत्र में वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। और हम लोग तो चूंकि मुख्यालय में यहाँ पे रहते हैं, आप देखिए कि कोई भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनकी उपस्थिति नहीं होती यहाँ पे। जहाँ तक मरवाही का सवाल है तो मरवाही में भी पहले स्वयं जोगी जी विधायक रहे हैं, वहाँ से लगातार मुख्यमंत्री भी रहे, और आज जो मरवाही विधानसभा क्षेत्र की स्थिति है और वर्तमान में जो के ध्रुव जी जो विधायक हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा जो है विकास कार्य या कोई परिवर्तन मरवाही में और कोटा में कहीं देखने को नहीं मिल रहे। क्या लगता है आपको, केवल मनरेगा से संबंधित काम चल रहे हैं? मनरेगा के संबंधी जो कार्य चल भी रहे हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र की भाजपा की सरकार जो भी वहाँ से योजनाओं के लिए फंड भेज रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, आप देखिए कि कई कई महीनों से मजदूरों को भुगतान पेंडिंग है और जो कार्य लोगों ने कर दिया है उसका भुगतान आज तक अप्राप्त है। पिछले 6-8 महीने से मजदूर घूम रहे हैं। विधायक जी जो हैं उनकी उम्र को देखते हुए, उनके नेचर को देखते हुए वो अति शालीन महिला हैं और अपने स्तर पे वो भी काम कर रही हैं, लेकिन भूपेश सरकार कहीं पे भी मैं नहीं समझता कि किसी को नज़रअंदाज करने वाली जैसी कोई बात है। सभी पूरे प्रदेश में सबको एक नज़र से देखते हुए और लोगों के हित में लगातार काम हो रहा है। हम तो भारतीय जनता पार्टी की तो तुलना हमारे चार साल में कहीं नहीं है उसका। हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार ने प्राकृतिक संसाधनों से जैसे कि नरवा गरवा गौठान इसको संवारने का इतना बढ़िया काम किया कि आज प्रदेश में लोग इन्हीं से अपना बहुत बढ़िया कमाई कर रहे हैं, बढ़िया अपने जो उनको उससे इनकम हो रही है उससे अपना आवश्यकता की चीज़ें बड़े आराम से खरीद रहे हैं। बीजेपी की सरकार इस पर कोई ध्यान तो दी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जब से आई है कांग्रेस की सरकार तो इसको बहुत तरीके से इस काम को कर रही है। इसके अलावा अभी हमारी सरकार ने किसानों के एक एक दाना को खरीदा है। कोई भी किसान मतलब ये नहीं कह सकता कि हमारे धान की खरीदी नहीं हुई है। सभी लोग पूरे रूप से संतुष्ट है और सभी को पर्याप्त राशि का भुगतान हो चुका है। पूरे छत्तीसगढ़ में आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं। नाना प्रकार के और भी राज्य शासन ने इस क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन करके बहुत बढ़िया काम किया है और आप आत्मानंद स्कूल में देख ही रहे हैं कि हमारे शोषित पिछड़े वर्ग और आदिवासी परिवार के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं, यही सबसे बड़ा हमारे लिए विकास है। मरवाही विधानसभा में हमने कई लोगों से बात की, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों से बात की, भाजपा के जनप्रतिनिधियों से बात की, आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों से भी बात की और कुछ व्यापारी और दूसरे लोगों से भी बात की। सबका कहना यही है, किसी ने कहा कि विधायक ने अच्छा कार्य किया है, सरकार ने अच्छा कार्य किया है, तो किसी ने कहा कि कार्य नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि इन सब लोगों की जो मानसिकता है, जो यह लोग कह रहे हैं कि कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, अब आने वाले समय में यह देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है, भाजपा की यहाँ जीत होती है या फिर से कांग्रेस का परचम लहराता है। संतोष नामदेव,
टीवी 24 गौरेला पेंड्रा मरवाही।